आज के शो में देखेंगे CES 2018 में छाई फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट और रोबोट्स की धूम, ऑनर के लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन ऑनर व्यू 10 की खासियत और गैजेट लैब में सैमसंग A8 प्लस की पहली झलक। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो दुनिया का सबसे बड़ा टेक एग्जीबिशन इस हफ्ते लास वेगस में हुआ। 4000 से ज्यादा कंपनियों ने इस शो में हिस्सा लिया और साथ ही 1.5 लाख से ज्यादा विजिटर्स ने इसे अटेंड किया। ड्राइवरलेस कार, VR डिवाइसेस, स्मार्ट रोबोट्स और इसके अलावा बहुत सारे लेटेस्ट इनोवेटिव गैजेट्स इस शो में दिखाई दिए। तो इस CES 2018 में क्या खास था, किस गैजेट्स ने सबसे ज्यादा लोगों का दिल जीता, ये आपको इस एपिसोड में बताएंगे। तो CES 2018 का राउंड अप शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन को एक नया रूप देने के लिए भी CES में कई सारे इनोवेशन किए जा रहे हैं। यहाँ पर ड्राइवरलेस कार्स तो शोकेस की ही जा रही हैं, साथ ही पैसेंजर ड्रोन भी दिखाया जा रहा है। इंटेल वोलोकॉप्टर यहाँ पर शोकेस कर रहा है, जो कि एक ड्राइवरलेस पैसेंजर ड्रोन है। इस साल CES में धूम मचाई है ऑटोटेक ने। ट्रांसपोर्टेशन को एक बिल्कुल अलग शक्ल देने में इंटेल ने सभी के दिल जीते। इंटेल ने यहां अपनी फ्लाइंग कार वोलोकॉप्टर पेश की। वोलोकॉप्टर एक पैसेंजर ड्रोन है जिसे उड़ाने के लिए ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है। ये ड्राइवरलेस ड्रोन 2 लोगों को बिठाकर 30 मिनट तक उड़ सकता है। फ्लाइंग कार ने तालियां बटोरी, वही ड्राइवरलेस और इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट भी बेहद दिलचस्प लगे। हुंडई ने अपनी इको फ्रेंडली कार नेक्सो पेश की। हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलने वाली ये गाड़ी ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम से लैस तो है ही, साथ ही इसे पार्क करने के लिए ड्राइवर का कार में मौजूद होना जरूरी नहीं है। ये काम नेक्सो रिमोट स्मार्ट पार्किंग असिस्ट सिस्टम की मदद से अपने आप ही कर लेती है। हुंडई की ये स्मार्ट कार इस साल सड़कों पर दिखाई दे सकती है। टेक्नोलॉजी और कार्स के कॉम्बिनेशन को बिल्कुल स्टाइल में प्रेजेंट किया चाइनीज स्टार्टअप V10 ने। ये कंपनी अपने नाम से ही एक SUV लेकर आई है जिसकी कई सारी खासियत हैं। एक तो ये है कि एक इलेक्ट्रॉनिक SUV है। इसके अलावा इसमें कई सारे ऑटोनॉमस मोड दिए गए हैं, ऑटोनॉमस ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, यानी कि ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी की तरफ भी ये गाड़ी बढ़ रही है। इसके अलावा गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने के लिए इसमें फेशियल रिकग्निशन भी दिया गया है। गाड़ी के डैशबोर्ड पर पूरी लेंथ पर आपको एक टच डिस्प्ले मिलता है जिस पर आप कई सारे काम कर सकते हैं, और आपका जो ड्राइविंग व्हील है उस पर भी एक LCD टच डिस्प्ले दिया गया है जिस पर आप डायरेक्शंस या फिर दूसरे काम कर सकते हैं। तो एक ऐसा ट्रांसपोर्ट था जहां पर सभी लोगों की नज़र बनी हुई थी। जहां कार ड्राइवरलेस दिखी तो वही बाइक चलाने के लिए रोबोट भी CES में नजर आया। यामा का मोटोबॉट एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। बाइक चलाने वाले इस रोबोट को आप सड़कों पर देखे ना देखे मगर रेसिंग ट्रैक पर इंसानों को टक्कर देते जरूर देख पाएंगे। CES में टोयोटा ने ट्रांसपोर्टेशन के भविष्य की झलक दिखाई अपने e-पैलेट के जरिए। ये कॉन्सेप्ट व्हीकल बैटरी पर चलती है और आसानी से कस्टमाइज भी की जा सकती है। दरअसल ई पैलेट एक मूवेबल और आसानी से कस्टमाइज होने वाले मार्केटप्लेस के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इस गाड़ी की बाहरी सूरत को बस ग्राफिक्स बदलकर अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके अलावा 3D प्रिंटिंग की मदद से बनाई गई शटल बस ऑली भी एक बढ़िया इनोवेशन रही। ऑली ड्राइवरलेस तो है ही, साथ ही इस बस को रिसाइकल भी किया जा सकता है।
ऑटो के बाद रुक करते हैं रोबोटिक्स का। इस साल CES में बहुत सारे स्मार्ट रोबोट्स दिखे, लेकिन एक रोबोट जिसने सबका दिल जीता वो है सोनी का आइबो। आइबो एक रोबो डॉग है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से लैस है। ये दिखने में तो बहुत क्यूट है ही, साथ ही ये आपके साथ रहकर आपके बिहेवियर से सीखता है और फिर उसी तरह रिएक्ट करता है। आइबो टच टेक्नोलॉजी से भी लैस है, तो जब भी आप आइबो को छूते हैं या फिर उसे सहलाते हैं तो ये किसी असली पपी की तरह ही रिएक्ट भी करता है। आइबो में कैमराज भी दिए गए हैं जो कि वो घर में घूमने के लिए इस्तेमाल करता है, और किसी चीज़ से टकराए ना उस चीज़ में ये कैमराज काम आते हैं। इसके यूज़र भी इसे घर की निगरानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइबो फिलहाल सिर्फ जापान में मौजूद है, लेकिन सबको इंतजार रहेगा कि आइबो जल्द से जल्द बाकी देशों में भी आए। CES में घूमता एयरलेस बॉट बड़े काम की चीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस ये रोबोट सामान पकड़ सकता है, फ्लोर साफ कर सकता है और चीजों को उनकी ठीक जगह पर रख भी सकता है। और अगर सिर्फ इससे काम न बने तो ये सिक्योरिटी गार्ड का भी रोल निभा सकता है। क्लोई और बड़ी जैसे ड्रॉइड्स ने भी CES में लोगों का ध्यान खींचा। ये ड्रॉइड्स कनेक्टेड डिवाइस की तरह काम करते हैं। इनसे बात कर आप अपने पसंदीदा गाने सुन सकते हैं या फिर घर के बाकी डिवाइसेस को भी ऑपरेट कर सकते हैं। इस साल CES में गूगल लेंस को एक लेवल ऊपर लेकर गया व्यूजिक्स ब्लेड ग्लासेस। ये सनग्लासेस हैं, लेकिन स्मार्ट सनग्लासेस हैं, जिसके जरिए आप इन लेंस और अपने फोन से एक साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। इन ग्लासेस के साइड पर टच पैनल दिया गया है जिससे आप अलग अलग फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही ये सनग्लासेस अमेज़न एलेक्सा को भी सपोर्ट करते हैं, और ऐसा करने वाले ये पहले स्मार्ट ग्लासेस हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी की अलग झलक दिखाई मर्ज ने अपने 6DOF यानी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम ब्लास्टर गन के साथ। 6DOF ब्लास्टर से बिना किसी हेडसेट से आप गेम में एंटर कर सकते हैं। बस फोन को इस गन से कनेक्ट करना होगा और आप गेम में शूट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप शूट करते हैं या इधर उधर जाते हैं, उस हिसाब से गेम में भी बदलाव होते हैं। किसी भी फेयरी टेल को रियलिटी में बदलता हाई मिरर मिनी भी ऐसा ही एक गैजेट है। ये स्मार्ट मिरर अमेज़न एलेक्सा से लेस है। आपकी शक्ल देखते ही स्किन को एनालाइज कर उससे जुड़ी सारी बातें सामने लाता है और आपकी सेहत के लिए सलाह भी देता है। डिस्प्ले और टीवी की दुनिया में भी कई नए इनोवेशन देखने को मिले, और इनमें सबसे अनोखा था LG का मुड़ने वाला टीवी। 65 इंच का 4K OLED टीवी मोड़कर छोटे बॉक्स में भी फिट किया जा सकता है। ये दुनिया का पहला फोल्ड होने वाला टीवी है। जहां LG ने अपने गैजेट से दिल जीते, तो सैमसंग भी इस रेस में पीछे नहीं रहा। सैमसंग ने यहां एक ऐसा टीवी दिखाया जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से 4K या फुल HD कंटेंट को 8K में बदल सकता है। 85 इंच का Q9S टीवी इस साल के अंत तक बाजार में दिखेगा। कंपनी ने CES में 146 इंच डिस्प्ले के साथ माइक्रो LED से लेस टीवी भी प्रदर्शित किया। तो ये थे CES 2018 के बेस्ट गैजेट्स और टेक्नोलॉजी। इनमें से कई सारे गैजेट्स तो मार्केट में आने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन कई सारे कॉन्सेप्ट व्हीकल्स या फिर दूसरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जितने इंटरेस्टिंग ये गैजेट्स और टेक्नोलॉजी है, उसके लिए थोड़ा इंतजार तो किया ही जा सकता है। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद टेक गुरु में आगे देखेंगे 30,000 के बजट में ऑनर का फ्लैगशिप स्मार्टफोन ऑनर V10। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस न्यू ईयर की ऑनर के लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन ऑनर V10 से।
ये फोन लंदन में लॉन्च हुआ था और अब इंडिया में भी लैंड कर चुका है। फेस आईडी, एआई इक्विप्ड कैमरा और फुल विजन डिस्प्ले, इन फीचर्स से लेस ये फोन कितना खास है और फ्लैगशिप्स को कितनी टक्कर दे पाएगा ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं फोन के स्पेसिफिकेशंस। Honor V10 में 5.99 इंच और 2160x1080 पिक्सल्स रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है। 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ फुल व्यू डिस्प्ले इस फोन पर आपको मिल जाता है। रैम के लिए जहां 6GB रैम है, वहीं स्टोरेज के लिए 128GB की इंटरनल मेमोरी भी दी गई है। इसे SD कार्ड के जरिए 128GB तक एक्सपैंड भी कर सकते हैं। Honor V10 की परफॉर्मेंस को सपोर्ट करता है किरीन 970 प्रोसेसर। साथ ही ये फोन एंड्रॉइड ओरियो पर काम करता है, जिस पर ऑनर का कस्टम UI EMUI 8.0 दिया गया है। फोटोग्राफी पर आए तो फोन में 20+16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा और सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। 3750 mAh की बैटरी वाले इस फोन की कीमत है 29,999 रुपए। उनके डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं। इसके जो बेजल्स हैं वो काफ़ी पतले हैं, तो जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होता है फ़ोन का वो काफ़ी अच्छा मिलता है, इसलिए आपको गेमिंग या फिर वीडियोस देखने में इस फ़ोन पर मज़ा आएगा। लुक्स की बात करें तो उसमें भी इस फ़ोन को अच्छे खासे नंबर मिलते हैं। फ़ोन काफ़ी स्लिम है, मैट फिनिश इसके बैक पर दी गई है, प्लस फ़ोन कुछ खास भारी भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे इसके डिज़ाइन में पसंद नहीं आई वो है इसका कैमरा बम्प। जो कैमरा है वो काफ़ी उठा हुआ है, तो अगर आप इसे किसी भी रफ सरफेस पर रखेंगे तो सबसे पहले ये कैमरा खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। Honor V10 का डिस्प्ले काफी ब्राइट और वाइब्रेंट है। फोन पर कलर तो सुंदर दिखते ही हैं, साथ ही फोन का ब्राइटनेस इंटेंसिटी भी काफी बढ़िया है। अपने हिसाब से डिस्प्ले का कलर टेम्परेचर आप बदल सकते हैं और पढ़ने के लिए आई कंफर्ट मोड भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि फोन के बेजल काफी पतले हैं, तो वीडियो देखना इस फोन पर काफी मजेदार है। साथ ही नीचे की तरफ दिए गए स्पीकर भी काफी लाउड हैं। शोरगुल में भी फोन का ऑडियो लाउड एंड क्लियर सुनाई देता है। ग्राम वजन वाले V10 हैंडल करने में भी काफी आसान है। काफी बड़ी स्क्रीन होने के बावजूद फोन आसानी से हाथ में फिट हो जाता है। Honor V10 भले ही लेटेस्ट स्नैपड्रैगन के साथ ना आता हो, लेकिन जो हुवावे का होम ग्रोन प्रोसेसर है किरिन 970, उसकी परफॉर्मेंस भी उतनी ही स्मूथ और उतनी ही बेहतरीन है। Honor V10 की परफॉर्मेंस काबिले तारीफ है। डेड ट्रिगर, गैलेक्सी रिवर्स जैसे ग्राफिक्स हैवी गेम्स फोन बड़ी ही आसानी से हैंडल कर लेता है। ना ही फोन कहीं पर हैंग होता है, ना ही ये लैग होता है। बैकग्राउंड में कई सारी एप्स खुली होने के बावजूद फोन की फंक्शनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। V10 लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से तो लैस है ही, साथ ही EMUI फोन में ऐप ट्विन और प्राइवेट स्पेस जैसे फीचर भी जोड़ देता है। लेकिन हाँ, फोन कई सारी प्रीलोडेड एप्स के साथ आता है, हालांकि आप इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। V10 की परफॉर्मेंस की तरह फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर बेहद स्नैपी और क्विक है। मोस्टली फ्लैगशिप फोन्स की तरह Honor V10 में भी डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसकी परफॉर्मेंस इफ नॉट बेस्ट लेकिन इम्प्रेसिव जरूर है, और इसकी जो खासियत है वो है इसका वाइड अपर्चर लेंस, जिससे कि आप अपनी फोटोग्राफ्स में अच्छी खासी डेप्थ ऑफ फील्ड दे सकते हैं। V10 में फोटोज में बोके इफेक्ट देने के लिए पोर्ट्रेट मोड दिया गया है। इसे एक लेवल ऊपर लेकर जाता है वाइड अपर्चर मोड। अच्छी लाइटिंग में फोन से बेहतरीन फोटोज आती हैं। साथ ही फोन में दिए गए प्रो फोटो मोड से ISO, शटर स्पीड और दूसरे एलिमेंट्स को फोटो के हिसाब से सेट किया जा सकता है। इसके अलावा मोनोक्रोम, HDR, लाइट पेंटिंग, आर्टिस्ट जैसे कई सारे मोड्स आपको मिल जाएंगे।
बोरिंग बैकग्राउंड को भी इंटरेस्टिंग बनाने का काम भी कैमरा अपने AR लेंस मोड से कर देता है। बैकग्राउंड बदलने के साथ इससे फेस पर कई स्टिकर भी लगाए जा सकते हैं। ऑनर V10 का सेल्फी कैमरा भी आपको खुश कर देगा। लेकिन हाँ, जब आप लाइट में फोटो ले रहे हो तो कलर जरूर कुछ डल हो जाते हैं। गेमिंग, फोटोग्राफी और इंटरनेट सर्फिंग के बीच में फोन को सपोर्ट करती है इसकी बैटरी। फास्ट चार्जिंग के साथ टाइप सी पोर्ट दिया गया है और इसे फुल चार्ज होने में 1.25 घंटे का वक्त लग जाता है। फोन की बैटरी लाइफ नॉर्मल यूसेज में पूरा दिन चल जाती है। सारी बातें हो गई, अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि ऑनर V10 को खरीदा जाए या नहीं। इस फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, दमदार कैमरा, डीसेंट बैटरी लाइफ और एक बढ़िया परफॉर्मेंस। तो इस फोन को अगर आप मिड प्राइस सेगमेंट में कोई फोन लेना चाह रहे हैं तो इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। ये फोन OnePlus 5T, LG G6 जैसे कंपटीटर्स को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। चलिए, समय हुआ है छोटे से ब्रेक का और लौट कर नजर डालेंगे सेल्फी स्पेशल कैमरा लिस्ट में दर्ज हुआ सैमसंग का नया डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट फोन A8 प्लस। सैमसंग ने भी सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन की लिस्ट में एंट्री मार ली है। आज कंपनी ने अपना पहला डुअल सेल्फी कैमरा वाला स्मार्टफोन गैलेक्सी A8 प्लस लॉन्च किया है। फोन में कई सारे खास फीचर हैं, तो इसके फ्रंट कैमरा से पहले शुरुआत करते हैं। फोन में 8+16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा लेंस दिया गया है और आप अपनी सेल्फी में बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं लाइव फोकस फीचर के जरिए। रियर कैमरा के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का लेंस दिया गया है और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो कैमरा के नीचे ही लोकेटेड है। दूसरे खास फीचर पर आएं तो वो है इसका डिस्प्ले। फोन में 6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है और ये इन्फिनिटी डिस्प्ले है, यानी जो इसके बेजल्स हैं वो काफ़ी पतले हैं। रैम और मेमोरी का जो कॉम्बिनेशन है उसमें 6GB + 64GB इंटरनल मेमोरी का ही ऑप्शन है। आप मेमोरी को भले ही 256GB तक बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आप कोई और वेरियंट चाहते हैं जिसमें आपको 3GB रैम या 4GB रैम चाहिए तो वो ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। इसमें Exynos 7885 प्रोसेसर दिया गया है और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए Android 7.1.1 है। इसके अलावा जो बैटरी है इसमें वो 3500 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि ठीक ठाक लगती है। और जो इस फ़ोन को खास बनाते हैं वो है इसमें बिक्सबी असिस्टेंट दिया गया है, फ़ोन को अनलॉक करने के लिए फेशियल रिकग्निशन है और साथ ही ये फ़ोन IP68 सर्टिफाइड है, यानी कि ये वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट फ़ोन है। इसकी कीमत है ₹32,990 और ये 20 जनवरी से Amazon पर मिलना शुरू हो जाएगा। इस फोन का फुल रिव्यू तो हम शो पर करेंगे ही, जिसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं, तो फोन के फीचर्स, प्राइसिंग और ब्रांडिंग के हिसाब से देखा जाए तो फोन काफी इंप्रेसिव है। के लिए इतना ही समय हुआ है आपको बाय बाय करने का, तो अगले हफ्ते आपके लिए लेकर आएंगे LG के फ्लैगशिप स्मार्टफोन V30 प्लस का रिव्यू।